हेलो फ्रेंड, ट्रिग्नोमेट्री से हमारी प्रॉब्लम है। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए इफ फर्स्ट ए बी इज रूट थ्री टाइम्स ऑफ बीसी एंड सेकंड बीसी इज रूट थ्री टाइम्स ऑफ एबी। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। और सॉल्यूशन फर्स्ट में आपको जो ये ट्रायंगल है, सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। और ट्रायंगल है आपको ए बी सी इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। और एंगल ए कैलकुलेट करना है तो ए को एज अ बेस हमने यहां पर पुट कर दिया। ये आपका सी और ये आपको बी। नाउ फ्रेंड, अब जो फर्स्ट है गिवन ए बी इज रूट थ्री टाइम्स ऑफ बी सी, then you can say AB is equal to root 3 of BC. Now AB upon BC is equal to root 3 upon 1. Now friend, अगर आप ये देखें तो AB और BC यानी base upon perpendicular है, और base upon perpendicular होता है आपका chord। तो ये हो गया आपका chord A is equal to root 3 और chord A इक्वल टू रूट थ्री यानी कि कॉट की वैल्यू रूट थ्री पर होती है कॉट 30 डिग्री। तो यू कैन से फॉर फर्स्ट प्रॉब्लम एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री इज योर आंसर। ओके फ्रेंड, नाउ सिमिलरली फॉर सेकंड प्रॉब्लम यहां पर भी हम ट्रायंगल को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं और सेम एंगल बी इज 90 डिग्री और एंगल ए हमें कैलकुलेट करना है। ए को यहां रखा और ये आपका सी। नाउ यहां आपको जो गिवन है बी सी इज रूट थ्री टाइम्स ऑफ ए बी। नाउ बी सी इज इक्वल टू रूट थ्री ए बी। नाउ बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू रूट थ्री। नाउ यहां पर बी सी और ए बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका 10 का रेशो होता है। तो ये आप ये कह सकते हैं 10 ए इज इक्वल टू रूट थ्री। और 10 ए की वैल्यू जो रूट थ्री पे होती है वो होती है 10 60 डिग्री। यू कैन से एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री इज योर आंसर। ओके फ्रेंड, इजी प्रॉब्लम थी, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया, एंगल ए कैलकुलेट करना है, इसको एज अ बेस यहां पर रखा। देन आफ्टर गिवन कंडीशन से हमने लिया ए बी इक्वल टू रूट थ्री बी सी। नाउ ए बी ये जो बी सी इसके साथ मल्टीप्लाई में है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ए बी बाय बी सी इक्वल टू रूट थ्री। तो ये जो रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर का, ये कॉट के लिए होता है। तो कॉट ए इक्वल टू रूट थ्री हो गया। इसका कॉट की वैल्यू रूट थ्री 30 डिग्री पे होती है, तो ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। सिमिलरली इन सेकंड प्रॉब्लम बी सी इक्वल टू रूट थ्री ए बी, और ए बी आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा बी सी के। तो बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू रूट थ्री, और ये परपेंडिकुलर बेस का रेशियो है जो कि 10 होगा, और 10 की वैल्यू रूट थ्री 60 डिग्री पे होती है। तो ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। थैंक यू।